नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ प्रोगेट सीएस चैनल में। तो आज पार्ट थ्री है। जो हमारा पिछला दो पार्ट था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो कंप्यूटर है उसको कैसे डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, कितने पार्ट में किया गया, साइज क्या होती है और साइज के बेस पे हमने क्या क्या नाम दिया है कंप्यूटर को। और उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं जो कंप्यूटर का जनरेशन है कि जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन जो हमें बताया जाता है। तो ये सारी जनरेशन जो है जब से आई है तो उसमें क्या क्या हमें फायदा मिला, क्या उससे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, किसकी वजह से हमारा कंप्यूटर जो है छोटे से बड़ा है, और ये सब चीज़ जो है तो हम लोग देखने वाले हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। तो ये जो जनरेशन है कंप्यूटर के जनरेशन, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर था जो शुरुआत मतलब जनरेशन को ऐसे कितने ऐसे डिवाइड क्यों किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया है कि जो पहला कंप्यूटर आया था 1946 में आया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था। और अभी हम लोग देखते हैं आप पूरे जो जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ जनरेशन, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन कब से आई, 1946 से 1959 तक। ठीक, तो इस जनरेशन में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब वाला सिस्टम यूज होता था। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पिक्चर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ये वैक्यूम ट्यूब होते हैं। ठीक, तो इस ट्यूब के अंदर क्या होते थे, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, बहुत सारे वो लॉजिक गेट्स आपने सुने होंगे कभी, अगर आपने कॉलेज या स्कूल में पढ़ा होगा। लॉजिक गेट होते हैं बंद, चालू, प्लस, जीरो, वन और ये सब। तो इनके अंदर क्या होते थे, लॉजिक गेट होते थे जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर को कैलकुलेशन और उसके लिए यूज किया जाता था। और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे वो काफी बड़े होते, देखिए यहाँ पे ये पिक्चर लगी हुई है जिसमें देखिए यहाँ पे क्या होता था कि बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे। इसको यूज करने के लिए 2 से 3 लोग लगते थे, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होती थी। ठीक, और इसके बाद आता है इसमें देखिए थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। अभी आप विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट और पता नहीं कौन कौन से यूज कर रहे होंगे, पर अभी जो है ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो फर्स्ट जनरेशन आया था वो आया था 1946 में और 1959 तक आया। फिर उसके बाद उसमें जो साइज होती थी काफी बड़ी होती थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था और ये काफी स्लो होते थे। स्लो होते थे क्योंकि इसमें ऐसा लॉजिक गेट, बंद, चालू और बहुत सारी प्रोसेस होती थी। तो ये होता था, इसकी जो साइज होती थी वो काफी बड़ी होती थी और काफी महंगा होता था, सस्ता भी होता था, बड़ा भी होता था और महंगा भी होता था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी जो फर्स्ट जनरेशन आया था। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आया है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन को कैसे डिवाइड किया गया है, 1959 से 1965 तक। ये जो सिस्टम था ये सेकंड जनरेशन तक चला। ये इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या होते थे, ट्रांजिस्टर यूज करते थे कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर क्या होते थे, इस तरीके से देखते थे, ये लॉजिक गेट की तरह ही काम करते हैं, पर इसमें क्या होता था कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट था, फास्ट था, स्पीड जो होती थी तेज होती थी इसमें, और इसको असेंबल करने में जो होता था तो कम समय लगता था और डायरेक्ट जोड़ के अपन यूज कर सकते थे और चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सस्ते हो गए, जो पहले कंप्यूटर आते थे जो हमारा फर्स्ट जनरेशन वाला था उससे काफी सस्ते हो गए। और इसमें थोड़ा लैंग्वेज यूज होने लग गई पहले से ज्यादा। तो इसमें क्या होता है कि जितना ज्यादा आप लैंग्वेज, जितनी परफेक्ट कंप्यूटर होगा उतना अच्छा अच्छा लैंग्वेज यूज होगा। लैंग्वेज क्या होती है, कुछ प्रोग्राम होते हैं, कोड होते हैं जिसको हम रन कराते हैं। तो क्या होगा कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सेकंड जनरेशन में थोड़ा और बढ़ी, यहाँ पे फोर्टान आ गई और एक कोबल नाम से जो है आ गई, और इसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट थे वो थोड़ा छोटे हो गए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो कंप्यूटर के साइज है वो पहले से थोड़ा कम हो गई। ठीक, तो इसमें ट्रांजिस्टर यूज होते थे, ये इतने से इतने तक चला है, और इसमें बहुत सारी असेंबली लैंग्वेज और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होने लग गई थी। ठीक, और इसमें भी जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग और ये बहुत सारा जो मैंने बताया यहाँ पे कि बहुत सारी लैंग्वेज इसमें सपोर्ट करने लग गई, जिससे हमारा क्या हुआ कि जो कैलकुलेशन है हम लोग जो पहले काम करते थे उससे थोड़ा और ज्यादा काम करने लग गए। और जो सेकंड जनरेशन है वो जो फर्स्ट जनरेशन था उससे काफी फास्ट था, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन से काफी तेज हो गए। और वहां पे वैक्यूम ट्यूब वाला यूज होता था, उससे क्या होता था ज्यादा बैटरी, ज्यादा वो लगता था बिल खर्चा और बहुत ज्यादा जो था बिजली यूज होती थी। पर जब से ये वाला आया तो इसमें क्या हो गया, ये जो कंपोनेंट जो है इसकी वजह से क्या हो गया, लेस पावर यूज होती थी, कम बैटरी पे चलता था, कम बिजली पे चलता था। इससे क्या होता था कि हमारा बिजली का भी जो चार्ज था वो बचने लग गया। तो ये हुआ सेकंड जनरेशन में इम्प्रूवमेंट। फिर आते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि आईसी यूज होने लगे। ठीक, थर्ड जनरेशन जो है तो ये चालू हुई 1965 से, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, 1965 से 1971, यहाँ आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ से ये चालू होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया 1946 से 1959, तो 1959 तक चला, मतलब 1959 के आगे 1965 तक ये चलेगा। फिर
आता है यहाँ पे जो थर्ड जनरेशन था, तो थर्ड जनरेशन कहाँ से हुई, 1965 से लेके 1971 तक। ठीक, तो ये थर्ड जनरेशन चली, अभी यहाँ पे लिखा नहीं है तो हो सके तो कमेंट में लिख दूंगा, या तो आप अभी मैंने जैसे बताया आप समझ लीजिएगा। तो जो थर्ड जनरेशन था उसमें क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगे। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी किसको बोलते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि जो हमारा जो सिस्टम था यहाँ पे, जो हम लोग ये रजिस्टर ट्रांजिस्टर यूज करते थे, वो कहाँ यूज होने लग गया, एक छोटी सी आईसी में। यहाँ पे ये देखिए छोटी सी आईसी है, इसके अंदर यूज होने लग गई। तो क्या हो गया कि उसका जो साइज है, देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर जो बना है इसकी जो साइज है काफी कम हो गई, क्योंकि इसी के अंदर सारे ट्रांजिस्टर रजिस्टर यूज होने लग गए। तो क्या हो गया कि ये छोटा हो गया, कंप्यूटर की जो साइज है वो पहले से छोटा हो गया, और जो टाइम शेयरिंग कंप्यूटर है मतलब जो जो स्पीड है वो बढ़ गई, और रिमोट प्रोसेसिंग हो गई। रिमोट प्रोसेसिंग क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज यूज होने लग गई, जिससे आप क्या होता था कि आप कंप्यूटर को कहीं जगह से दूसरी जगह से भी उसको एक्सेस कर सकते थे। और ये एफिशिएंट हो गए, स्मॉलर साइज देखिए यहाँ पे, एफिशिएंट एंड स्मॉलर साइज हो गई, और यही सब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। और फिर आते हैं फोर्थ जनरेशन में, थर्ड जनरेशन समझ में आया होगा, इसमें आईसी यूज हो गई, साइज कम हो गई पहले से, और जो पहले से कम लैंग्वेज यूज होती थी, जो हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते थे, देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करते थे असेंबली लैंग्वेज और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर जब हमारे पास थर्ड जनरेशन आया तो हम लोग क्या यूज करने लग गए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने लग गए। हाई लेवल जैसे बेसिक जो हम लोग यूज करते हैं, हाई लेवल ये होती है कि उसमें आप कम कोड में काफी ज्यादा प्रोग्रामिंग, छोटा छोटा कोड लिख के आप बहुत सारे कमांड यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर को काम दे सकते हैं। तो ये हो गए। और जो बहुत सारे जो पहले हम लोग ट्रांजिस्टर रजिस्टर यूज करते थे, उससे क्या होता था कि हमारा जो साइज है वो बढ़ जाती थी, बहुत ज्यादा हो जाता कंप्यूटर का। जब से ये वाला आईसी वाला सिस्टम आया तो हम लोग यूज करने लगे, तो उससे क्या हो गया, हमारे कंप्यूटर की जो साइज है वो पहले से काफी छोटी हो गई। तो ये एक बेनिफिट हुआ। तो ये सारे इंप्रूवमेंट थे थर्ड जनरेशन में। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कहाँ से कहाँ तक चला, 1971 से 1980 तक चला। 1980 से जो 1980 था उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। जो कंप्यूटर थे वो होते थे ब्लैक एंड व्हाइट पर, बहुत ज्यादा वो होता था इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस और डीबीएमएस और ये डाटाबेस वाला जो सिस्टम होता था वो यूज होने लग गया। इससे क्या होता था, केवल कैलकुलेशन नहीं होती थी, हम लोग चिप भी यूज करने लगे, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते थे। पहले से ज्यादा क्या होते थे, पावरफुल हो गए थे, ये देखिए हम पावरफुल हो गए, और काफी कम्पैक्ट मतलब जो साइज होती थी वो काफी छोटी हो चुकी थी, और ये फास्ट होते थे और अफोर्डेबल होते थे। फास्ट और अफोर्डेबल का मतलब ये है कि पहले से काफी तेज चलने लग गए, मतलब पहले जो कैलकुलेशन करने में टाइम लगता था वो काफी तेज हो गया, और अफोर्डेबल का मतलब ये हुआ कि उसकी जो कीमत थी पहले से ज्यादा, जो बहुत ज्यादा महंगे होते थे वो सस्ते हो गए, और ये सब होता था। फिर इसके बाद आए बहुत सारी लैंग्वेज यूज होने लग गई। तो ये सारे जो इम्प्रूवमेंट हुए वो फोर्थ जनरेशन में हुए, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, और सर्किट वगैरह जो थी यहाँ पे ये यूज होने लगे, ट्रांजिस्टर और ये जो बहुत सारी जो चिप होती थी, एक चिप बनाने लग गए, इसके अंदर ही सारी सर्किट और वो सब यूज होने लग गए एक आईसी के अंदर। फिर आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन, जो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया, सबसे ज्यादा मतलब जो भी ग्रोथ हुई है वो इस फील्ड में हुई है। फिफ्थ जनरेशन क्या हुई, 1980 से चालू हुई और वो अभी तक चल रही है, और अभी तक चल रही मतलब कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ होगा आप देख सकते हैं कि कितना हम लोग पहले यूज करते थे उससे अब काफी ज्यादा हम लोग आगे टेक्नोलॉजी में बढ़ गए हैं। तो ये सब यहाँ पे देखिए 1980 से अभी चालू हुआ, फिर ये VLSI टेक्नोलॉजी मतलब बहुत ज्यादा हाई कहने मतलब वर्सेटाइल हो गई, और इसके बाद फिर आता है ये LSI, वही है अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन, ये सब वो है कि मतलब पहले से ज्यादा काफी वर्सेटाइल हो गई, काफी अल्ट्रा लार्ज और स्केलेबल हो गई। तो ये सब हुआ। फिर इसके बाद हुआ कि जो प्रोसेसर होते थे यहाँ पे क्या हो गया कि फिर प्रोसेसर यूज होने लगे। प्रोसेसर का मतलब क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, पहले एक वाईफाई का सिग्नल जो होता था, वाईफाई या नेटवर्क हो गया और बहुत सारी चीजें होती थी, हम लोग क्या करते थे अलग अलग से सब लगाते थे कंपोनेंट, तो वो क्या हो गया एक प्रोसेसर के अंदर आने लग गया, और बहुत सारा जो हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस होते थे उसके लिए हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे ट्रांजिस्टर रजिस्टर और बहुत कुछ यूज करते थे ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो हम लोग जब से ये फिफ्थ जनरेशन आई तो हम लोग क्या करते हैं, एक केवल एक प्रोसेसर यूज करते हैं, चिप यूज करते हैं, और उस चिप के अंदर पूरा जो भी ट्रांजिस्टर रजिस्टर और बाकी सारी चीजें क्या होती है कनेक्ट होती हैं, हमको क्या करना है केवल उस प्रोसेसर को लगाना है, उससे क्या होगा कि हमारी जो कंप्यूटर है वो बराबर काम करने लग जाएगा। तो प्रोसेसर हम लोग अगर जब स्पीड की ज्यादा जरूरत है हम लोग अच्छा प्रोसेसर यूज करते हैं, कम जरूरत है तो हम लोग छोटा प्रोसेसर या सस्ता प्रोसेसर यूज कर लेते हैं। तो जब से मतलब फिफ्थ जनरेशन आया वहां पे क्या हुआ, प्रोसेसर का चलान हुआ यहाँ पे, प्रोसेसिंग हार्डवेयर, तो ये सब यूज होने लग गया। फिर उसके बाद है जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ, जो हम लोग पहले लैंग्वेज यूज करते थे सी प्लस प्लस, उसके अलावा हम लोग इसमें
जावा, डॉट नेट और बहुत सारा जो सिस्टम है हम लोग यूज करने लग गए। इसमें हमारे पास डिस्प्ले में भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, हम लोग कलर डिस्प्ले और उसके अंदर जो ग्राफिक्स वाला सिस्टम है तो हम लोग सब कुछ यूज करने लग गए। और एक चीज और हुई कि जो हम लोग पहले यूज करते थे उसमें हम लोग क्या करते थे, एक ग्राफिक कार्ड लगाते थे, ठीक, जिसको हम लोग जीपीयू बोलते हैं। तो पहले होता था कि ग्राफिक कार्ड आपको अलग से नहीं लगाएं तो आपको जो मॉनिटर या सिस्टम वो चलता नहीं था। अब क्या करना है, आपको उसी में जो आपको प्रोसेसर है उसी के अंदर आपको जीपीयू भी मिल जाता है और सीपीयू मिल जाता है, कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो ये सब माइक्रो प्रोसेसर चिप हो गई। और जो हमारे पास पहले जो साइज होती थी, आप मेमोरी की जो साइज होती थी वो होती थी कम से कम 20 MB, 10 MB की होती थी। अब आपका चाहे तो 1 TB, 5 TB, अब लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। और जो साइज है, देखिए यहाँ पे हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, ये सब क्या हो गया, काफी बढ़ गया। तो इससे क्या हो गया कि जो 5th जनरेशन थी उसमें सबसे ज्यादा जो चेंजेस दिखने को हमें मिले हैं, तो ये मिल रहे हैं सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए। क्योंकि इनमें जब हम लोग कोई चीज लेते हैं, कुछ भी चीज लेते हैं, अलार्म वाली घड़ी भी लेते हैं, उसमें छोटा सा एक प्रोसेसर लगा होता है या फिर मतलब ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता था, तो उस ट्रांजिस्टर की जगह प्रोसेसर लग गया। उससे क्या हो गया कि जो हमारी वॉच थी, घड़ी थी, उसमें काफी अलार्म और बहुत सारे सिस्टम जो है वो हो गए, मतलब बढ़ गए हैं, ताकि हम लोग जब चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल और टैबलेट आ गए, तो मोबाइल और टैबलेट में भी आप देखते होंगे कितना ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो काफी इम्प्रूवमेंट हमें 5th जनरेशन में मिला। तो आपको समझ में आया होगा कि जो 1st जनरेशन था, 1st जनरेशन में हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, तो काफी बड़ा कंप्यूटर होता था, जो साइज होती थी तो काफी बड़ी होती थी, काफी महंगा होता था, जगह काफी घेरता था। सेकंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करने लगे। उससे क्या हुआ कि बैटरी का हमने मतलब जो बिजली का खर्चा होता था वो कम हो गया, क्योंकि ये कम चार्जेस पे चलते थे, और काफी जो स्पीड थी वो बढ़ गई, और जो साइज था वो कम हो गया, तो काफी ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर आता है 3rd जनरेशन। 3rd जनरेशन में हम लोग क्या यूज करने लग गए, आईसी यूज करने लगे। ऐसी आईसी होती थी, आप देखे होंगे टीवी में भी आईसी यूज होती है, आप बहुत सारी जगह आईसी यूज अभी भी होती है। तो आईसी यूज होती थी, तो आईसी क्या होती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके अंदर काफी ज्यादा जो सर्किट होती थी वो लगी रहती थी। फिर उसमें क्या होता था, साइज कम हो गई उसकी वजह से, क्योंकि एक ही चीज के अंदर बहुत काफी लगा हुआ था। फिर आगे आते हैं तो आगे होता था 4th जनरेशन। 4th जनरेशन में क्या हुआ कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर रजिस्टर होते थे वो काफी छोटे हो गए, तो इससे क्या हो गया कि जो कंप्यूटर की साइज होती थी ये काफी छोटी हो गई। हम लोग इसको कहीं ना कहीं जहाँ चाहे वहां ले जा सकते थे, थोड़ा मेहनत लगती थी पर हम लोग इसको ले जा सकते थे, कहीं भी शिफ्ट कर सकते थे और जगह काफी कम लगती थी। तो 4th जनरेशन में ये हुआ, बिजली कम लगने लग गई, और ट्रांजिशन रजिस्टर की जो बहुत बड़े कॉस्ट होते थे वो पहले से कम हो गए। फिर आता है 4th जनरेशन, अरे सॉरी 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, उसमें हमें काफी ज्यादा हम लोग जितना हार्डवेयर लगाना चाहें उतना हार्डवेयर लगा सकते हैं, अपने से हम लोग खरीद के चेंजेस कर सकते हैं, जितना स्टोरेज चाहिए, जितना साइज चाहिए, डिस्प्ले का साइज जितना बड़ा चाहिए उतना साइज होता था, हमें जब चाहें तब हम डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, और काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिला। तो ये सब क्या होता था, ये कंप्यूटर के जनरेशन है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम नंबर है, आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।